Today we are going to do the third sorting technique, that is insertion sort in data structures. If we talk about insertion sort, this is much similar to the bubble sort. लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इसमें ये उससे ज़्यादा efficient है और easy है, ठीक है. इसमें हम लोग instead of sorting, we just shift the elements, okay? और होता ये है कि इसमें जो for example we have an array, तो उसमें लेफ्ट साइड जो है वो पहले वो हो जाती है, सॉर्ट हो जाती है, और फिर राइट साइड बाद में आहिस्ता आहिस्ता होती रहती है, ठीक है. और इसमें ये होता है कि मैं आपको एरे के थ्रू बताती हूँ, सब कुछ क्लियर हो जाएगा. वी हैव एन एरे ए एंड इट हैज़ सिक्स एलिमेंट्स विद द फॉलोइंग वैल्यूज़. अब ये सब वैल्यूज़ अगर हम देखें तो ये 16, 17, 2, 8, 18, 1. अब हम लोगों को इन्हें सॉर्ट करना है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में. सिक्स आइट्रेशन हमें चाहिए होंगी, जितने एलिमेंट्स होंगे उतने हमें आइट्रेशन भी चाहिए. सबसे पहले हम लोगों ने करना ये है कि हम लोग 16 को लेंगे. 16 अब हम देखेंगे, पहले हम लोग A1 को लेते हैं, ठीक है. A0 को हम लोग नहीं देते, हम लोग A1 से स्टार्ट करते हैं, मतलब 17 से हम स्टार्ट करेंगे. और हमें क्योंकि असेंडिंग में करना है, तो हम ये देखेंगे क्या इससे पीछे जो इंडेक्स है, मतलब A0, क्या A0 पे कोई ऐसा एलिमेंट आया हुआ है जो इससे बड़ा हो, क्योंकि हमें तो असेंडिंग में करना है. तो अगर इससे बड़ा है तो हम उसको फिर मूव करेंगे, इसको उधर लेके जाएंगे. ये इस पे ये फुल इस तरह से होता है. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप. फर्स्ट आइट्रेशन में क्या होगा, A1 जो है उसको कंपेयर किया जाएगा और वो शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि पीछे 16 जो है वो बिल्कुल ठीक है, सही है, मतलब वो इससे ग्रेटर नंबर नहीं है. अब हम लोग चलते हैं, अब आ गया हमारा 16 से. अब हम लोग चलते हैं A2 पर, मतलब जिसमें 2 पड़ा हुआ है. तो A2 में जब हम जाएंगे तो 2 के बैक पे आप दोनों देखें तो दोनों एंट्रीज जो हैं 17 और 16 इससे ग्रेटर हैं. जबकि हमें क्या करना है, हमें तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में करना है. तो ये तो जो पीछे ये 16 और 17 वैल्यूज़ हैं, ये नहीं होनी चाहिए इधर, ठीक है. तो इनको यहाँ पे नहीं होना चाहिए. अब हम लोगों को 2 को इधर लाना है. तो अब हम लोग करते क्या हैं कि हम लोग 17 और 16 को 1 लेफ्ट साइड पे 1 टाइम शिफ्ट करेंगे, ठीक है. और जैसे ही इसको शिफ्ट करेंगे, 2 को हम जो स्टार्टिंग में जगह बन जाएगी उस जगह पे हम लोग वहाँ पे जाके इसको फिट कर देंगे, ठीक है. जैसे ये नेक्स्ट आइटरेशन में यहाँ पे होगा, ये देखें, जैसे ही हम लोगों ने देखा ये, और ये हमारा आ गया 2, 16, 17, ठीक है. देखें 2 जो था 17 इधर शिफ्ट हुआ और 16 इधर शिफ्ट हुआ. और ये जो अब ये दोनों जब इधर इधर चले गए तो ये जो 2 है ये आके इसने यहाँ पे जगह ले ली, यहाँ पे आ गया 2. अब ये हो गया, तो ये नीचे हमारे पास रिजल्ट आ गया. यहाँ पे ये रिजल्ट है, अब यहाँ पे 2 देखें स्टार्ट में आ गया और 16, 17 आगे शिफ्ट होकर उधर चले गए. अब हम लोगों ने चेक करना है किस इंडेक्स को, इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3 को, मतलब A3 को चेक करना है. तो यहाँ पे है 8. अब हम लोग इनको इसको लेफ्ट साइड से कंपेयर करें तो जो 17 और 16 है इससे ग्रेटर है, तो इन दोनों को हमें शिफ्ट करना होगा. 2 ग्रेटर नहीं है तो इन दोनों को हम लोग लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे और 8 जो है वो सेकंड, मतलब A1 पे आ जाएगा, A1 इंडेक्स पे आ जाएगा. नेक्स्ट पे देखते हैं, यहाँ पे देखें अब क्या हुआ है कि जैसे हम लोगों ने किया तो 8 यहाँ पे आ गया, ये रहा, और 16, 17 आगे शिफ्ट हो गए. अब हम लोग चलते हैं किस पे, हम लोगों ने 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, ये 4 आ गया. अब हम लोग A4 पे चलते हैं, 18 को कंपेयर करते हैं, नहीं सब कुछ ठीक है पीछे. फिर हम लोग 1 पे आते हैं. अब यहाँ पे हमने इंडेक्स 5 को कंपेयर किया तो 1. अब यहाँ पे ये नेक्स्ट आइट्रेशन में दिखाते हैं, आइट्रेशन 5 में कुछ भी नहीं होगा, आइट्रेशन जो 6 है इसमें होगा. इसमें क्या होगा, 1 जो है, मैंने कहा 1 जो है वो पीछे 2 से, मतलब ये जो दोनों नंबर्स हैं इनसे छोटा है, तो इनको यहाँ पे ये जो 16, 17, 18 है इनको पीछे नहीं होना चाहिए, इनको आगे होना चाहिए. तो ये 8 भी इससे छोटा है, 2 भी इससे छोटा है. इसका मतलब जो पीछे जितने एलिमेंट्स हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, इन सबको शिफ्ट होना है 1 पोजीशन टू द लेफ्ट, सॉरी टू द राइट. और लेफ्ट साइड पे इसकी एक पोजीशन बन जाएगी तो ये 1 आ जाएगा इधर, ओके. तो ये हमारा इंसर्शन सॉर्ट यूं परफॉर्म किया जाता है. अब हम लोग ग्राफ के थ्रू देखते हैं कि कैसे. फॉर एग्जाम्पल दीज बार्स आर रिप्रेजेंटिंग नंबर्स, और ये जो स्मॉल बार है स्मॉलेस्ट नंबर को कर रही होगी और जो बिगेस्ट है वो ऑब्वियसली. अच्छा अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं. सबसे पहले क्या होगा, हम लोगों ने वही करना है. A1 को हम लेंगे. अब A1 को हम देखेंगे क्या ये जो इसके बैक साइड पे, मतलब A0 जो है वो इससे छोटा है या बड़ा है, हमें असेंडिंग में करना है ना. अब वो इससे बड़ा है, बड़ा इससे पीछे नहीं आना चाहिए. तो क्या होगा, A0 जो होगा वो शिफ्ट होगा और A1 जो है वो A0 पे आ जाएगा. अभी हम लोग देखते हैं फिलहाल ये सॉर्टेड साइड है या अनसॉर्टेड साइड है. अब जैसे ही ये देखेंगे तो इसको शिफ्ट करना होगा हमें, तो ये शिफ्ट हो गए, ठीक है. अब हम लोग चलते हैं किस पे, A2 पे जब हम जाएंगे तो हम लोग इसको प्रीवियसली जो A1 और A0 इनसे कंपेयर करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये इसी तरह रहेंगे, यहाँ तक सॉर्ट हो गया. अब हम लोग चलेंगे A3 पे अगर हम लोग इसको बैक साइड से, मतलब लेफ्ट साइड से कंपेयर करें A2 A1 A0 से, तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सब सेट है. तो इसका मतलब ये भी सॉर्ट हो गया.
अच्छा अब हम चलते हैं A4 पे। A4 पे अगर हम देखें तो इसके जो बैक पे जितने नंबर्स हैं वो सब क्या हैं, वो इस तरह से हैं कि वो सब इससे बड़े हैं। तो अब इस इन सब को शिफ्ट करना होगा, तो अब ये वन बाय वन सब के सब शिफ्ट होंगे। सबसे पहले A3 होगा, A4 पे आ जाएगा, A2 A3 पे आ जाएगा, A1 A2 पे आ जाएगा, और A0 A1 पे आ जाएगा, और ये जो A4 था ये उधर चला जाएगा। अब देखना टर्न बाय टर्न कैसे शिफ्ट हो रहे हैं। ये है, हमें इसको मूव करना है 0 तक, और अब सबसे पहले ये शिफ्ट होगा, ये शिफ्ट हो गया, फिर उसके बाद ये A2 शिफ्ट होगा, ये भी शिफ्ट हो गया, A1 शिफ्ट होगा वो भी हो गया, A0 शिफ्ट होगा वो भी हो गया। और अब हम लोगों को यहाँ पे लेके आ जाना है जो हम लोगों का सबसे छोटा एलिमेंट था, ये जो सबसे छोटा जो हमने बार था वो हम ले आए इधर। ठीक है, अब ये बात थोड़ी छोटी हो गई है, वो थोड़ा सा एनिमेशन प्रॉब्लम होगा। उसके बाद अब हमने क्या करना है, हम लोगों का जो लास्ट, अब हम लोग A5 को चेक करते हैं। A5 पे भी अगर हम चेक करें तो ये जो A4 A3 A2 A1 ये सब इससे बड़े हैं, सिर्फ A0 छोटा है। तो हम लोग 0 को नहीं, इसके अलावा बाकी सबको शिफ्ट करेंगे और A5 को हम उधर ले जाएंगे। तो फिर हम लोगों ने इसको शिफ्ट किया, करते करते ये भी इधर शिफ्ट हुआ, ये इधर शिफ्ट हुआ, और मतलब सो ऑन करते करते ये इधर हम लोगों के पास वो वाला बार आ जाएगा, और ये हमारा फुल जो एनिमेशन है ये ट्रांजिशन होगी, कंप्लीट होगी। अब हमारे पास ये जो ग्राफ है ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुका है। अब इसका स्यूडो कोड देख लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, आई आई टू से स्टार्ट करते हैं और एन तक जाते हैं। टू से इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने जो एरे लिया है वो 1 to n लिया है। 1 to n मतलब हम 0 से नहीं ले रहे, वो आप प्रोग्राम की लॉजिक जिस तरह भी बनाएं, अगर आप 0 से करते हैं तो फिर आप आई को 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और अगर आप एरे को 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो वो आप आई को 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 से हो रहा है इसलिए यहाँ पे 2 लिखा है, आई टू टू, टू से लेके एन तक चलेगा, और एक्स को हम लोग ए आई दे देंगे, मतलब ए आई जो भी हम लोग कंपेयर कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो उसको ज़ाहिर है फिलहाल हमें कहीं डालने, तभी तो ये आगे शिफ्ट होते जाएंगे ना। उसके बाद फिर हमने जे का लूप चलाया। जे क्या है, जो प्रीवियस वाला है, मतलब आई जिस पे पोजिशन पे होगा उससे पिछला वाला जे होगा। अब हम लोग जे को कंपेयर करेंगे, क्या जे ग्रेटर देन 0, एक तो ये कि हो, और दूसरा ये कि वो ए जे जो है वो ग्रेटर हो एक्स से, मतलब एक्स से बड़ा हो। तो अब अगर अगर वो एक्स से बड़ा है तो इसका मतलब ये है कि उसको शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पीछे जो है वो बड़ा नंबर नहीं आना चाहिए। तो हम ये करेंगे कि ए जे प्लस वन जो है, मैं इसकी बात कर रही हूँ, यहाँ पर पहुँच गई हूँ, ए जे प्लस वन जो है, अब हम उसको क्या कर देंगे, ए जे मतलब ए जे ये शिफ्ट हम कर रहे हैं, ठीक है। ए जे जो है वो अब ए जे प्लस वन पे चला गया, और जे जो है फिर से पीछे आया। पिछले वाले को चेक किया कि क्या यहाँ पे भी ये हो रहा है, फिर वो वही बात होगी, और आखिर में हम लोग जो ए जे जे प्लस वन है, मतलब वो जो पोजिशन होगी उस पर हम लोग एक्स को डाल देंगे। ये सारा जो हम पीछे ग्राफिकली ग्राफ की फॉर्म में उन्होंने किया है। अब इसका प्रोग्राम देख लेते हैं। प्रोग्राम में क्या होता है, मेन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोगों ने कुछ इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स और एक एरे डिक्लेयर किया, ये रहा A30, 30 इसका साइज़ है। उसके बाद हम लोग नीचे सी आउट, हम लोग नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमने एंटर, हमने कहा कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स एंटर करें, फिर वो एंटर भी कराए सारे, ठीक है। ये हम लोग सब में, हम लोग ने ये वाला पोर्शन सब में सेम था। अब नीचे जो काम स्टार्ट हो रहा है ये है हमारा इंसर्शन सॉर्ट का पोर्शन, ये फुल पोर्शन। अब इसमें क्या हो रहा है देखें, अगर हम देखें तो आई 1 से स्टार्ट हो रहा है, लेस देन इक्वल टू एन तक जा रहा है, और लेस देन इक्वल टू एन माइनस वन, अगर आप लेस देन एन करें या फिर लेस देन इक्वल टू एन माइनस वन करें, ये तो आपको पता चल ही गया, क्योंकि आई एरे 0 से स्टार्ट होता है, और वो साइज तो फिर ज़ाहिर है अगर 6 साइज का तो वो 5 होगा, तो यहाँ पे हमने लेस देन इक्वल का साइन डाला, ये तो एक सिंपल बात है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, हमने क्या किया, टेंथ में हम लोगों ने ए आई डाला, क्योंकि ज़ाहिर है जब ए आई को हम लोग वहाँ से हटाएंगे तो वो शिफ्ट हो जाएंगे, जगह बनती है तो कोई चीज़ शिफ्ट हो सकती है ना, तो ये वही हमने कि उसको डाल दिया। जे हम लोग ये बिल्कुल एल्गो जो पीछे सूडो कोड किया हमने, वही स्टेटमेंट्स यहाँ पे रिपीट हो रही हैं। जे जो है वो आई से पिछला वाला एलिमेंट होगा, उससे ही हम कंपेयर करते हैं, अगर वो उससे बड़ा है तो हमें इसको करना है। और हाँ, अगर हम लोगों ने जो एरे है उसको डिसेंडिंग में करना हो तो हम उल्टा करेंगे, हम साइन यहाँ पे हम ये क्या ये कहेंगे कि अगर जो है जो पीछे ए जे है वो इससे छोटा है तो उसको आगे ले आओ, मतलब बड़े वाले को हमें पहले लाना है ना डिसेंडिंग में, तो वो यूँ हो जाएगा। तो हम उसमें ये कहेंगे कि अगर जो इस ए आई है इससे पिछला वाला जो नंबर है वो ज़्यादा बड़ा है तो उसको शिफ्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर उससे छोटा है तो फिर उसको करेंगे इसको, क्योंकि हम लोगों को बड़े वाले शुरू में लाना है। उसके बाद ये आगे वही है, हम लोगों ने ए जे प्लस वन को हमने ए जे कर दिया, मतलब ये आगे शिफ्ट हुआ। उसके बाद जे फिर से पीछे आया, उसको भी शिफ्ट किया, और हाँ हम लोगों ने फिर सॉर्टेड एरे प्रिंट करा दिया, सी आउट करा दिया। ये हमारा आउटपुट है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमने एंटर कराए, फिर एलिमेंट्स ये दिए हुए हैं, और सॉर्टेड लिस्ट हमारी ये हो जाएगी, इंसर्शन के सॉर्ट के थ्रू हमारा ये फुल अरेंज हो जाएगा। द एंड। ओके, यहाँ तक था, कोई प्रॉब्लम हो तो आप यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।